हेलो एसटीटी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम हिंदी में करने वाले हैं शब्द युगम। हिंदी व्याकरण के अंदर है आपका ये, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पार्ट 13 है आपका शब्द युगम। तो देखिए शब्द युगम क्या होते हैं, हिंदी शब्द युगम किसे कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि भाषा को और अच्छा से दर्शाने के लिए, अच्छा प्रभावी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कई बार शब्दों के जोड़े बना देते हैं, यानी कि शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, शब्द युगम कहलाता है, ठीक है। यानी कि शब्द प्लस युगम, युगम का मतलब जोड़, यानी कि शब्दों को आपस में जोड़ देना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शब्द युगम। उदाहरण के लिए जैसे कि चलते चलते, ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और भी हमारे शब्द हो सकते हैं, जैसे दिन रात, दाल रोटी, तो ये सारे जो है वो हमारे क्या हैं, शब्द युगम, ठीक है। इनको पहचानने के लिए आप ये देख सकते हो कि इनके अंदर क्या है, जो है वो हमारा चिन्ह जो है वो लगा होता है दो शब्दों के बीच में। इससे क्या है, हमारी भाषा जो है वो थोड़ी सी प्रभावी हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो शब्द युगम है वो हमारे कितने हैं वो देखिए, इनके अंदर जो है वो कई प्रकार हैं हमारे शब्द युगम के। शब्द युगम के प्रकार जो है वो देखिए कौन कौन से हैं हमारे, तो सबसे पहला है हमारा पुनरुक्त, पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब एक शब्द का बार बार आना, ठीक है। तो पुनरुक्त में जो शब्द आते हैं वो हमारे आते हैं जैसे धीरे धीरे, यानी कि धीरे शब्द दोबारा से आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, गांव गांव, शहर शहर, ठीक है। तो ये जो होंगे हमारे, ये सारे शब्द क्या हैं हमारे, पुनरुक्त शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है हमारा, वो आता है हमारा स्वयं वर्गीय, ठीक है, स्वयं वर्गीय या समजातीय बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, सहजातीय या समवर्गीय, सहजातीय या समवर्गीय, समजातीय या संवर्गीय। तो इसमें कौन से आते हैं, यानी कि वो जिस जाति से जो है वो हमारा वर्ग है उससे जो है वो बिलोंग करता है, यानी किसी जाति या वर्ग से है उसी के साथ उसका नाम जोड़ देना, ठीक है। जैसे जीव और जंतु, जीव जंतु एक ही जाति के हैं, है ना। इसी प्रकार से धर्म कर्म भाव है हमारे, है ना, ठीक है, माँ बहन स्त्री है दोनों, यानी स्त्री जाति की है दोनों ही, तो ये क्या है हमारे स्त्री वर्ग के, यानी कि सहजातीय या समवर्गीय, ठीक है, यानी कि एक ही जाति के या एक ही वर्ग के जो है वो दोनों शब्द होते हैं, ये होते हैं हमारे सहजातीय या समवर्गीय, ठीक है। इसके बाद है समानार्थक, इसके बाद समानार्थक,
स्नानार्थक, यानी कि जिनका समान अर्थ होता है, जिनका एक जैसा अर्थ होता है दोनों का, ठीक है। जैसे आदर सत्कार, आदर और सत्कार का मतलब यही होते हैं बड़ों को इज्जत देना, ठीक है। आदर सत्कार बाल बच्चे, बाल का अर्थ में बच्चा होता है, लड़का होता है और बच्चे का अर्थ भी, तो दोनों के हैं समान अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है। तो समान अर्थ वाले शब्द युगम, ठीक है, तो होते हैं हमारे समानार्थक। इसके बाद आते हैं समानार्थक और निरर्थक। समानार्थक प्लस जो है वो हमारे कौन से होते हैं, निरर्थक, यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। तो उसमें कौन से होंगे हमारे, जैसे कि चाय वाय, ठीक है, पानी वाणी, पानी वाणी, चाय वाय, पानी वाणी, कपड़ा वपड़ा, गप शप, ये जो है हमारे समानार्थक और निरर्थक में आ जाते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे विपरीतार्थक। विपरीतार्थक हम देखे कौन से होंगे, विपरीतार्थक शब्द जो, तो विपरीतार्थक में यानी कि उसका उल्टा अर्थ देने वाले, जैसे लाभ हानि, जैसे कि लाभ और हानि, ठीक है, इधर उधर, इधर उधर, तो ये क्या है, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, तो ये हमारे विपरीतार्थक शब्द युग्म हो गए। तो इसी प्रकार से जो आगे की और जो है वो आपने अच्छे से शब्द जो है वो याद करते हैं, ठीक है। अब जो है वो आपने इसका साथ में पुस्तक कार्य भी जो है करना है, तो पुस्तक कार्य में जो है वो आपके दो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न एक और प्रश्न दो अभ्यास कार्य में। तो प्रश्न एक में आपने जो है वो इसका उचित मिलान करना है, और जो प्रश्न दो है आपका उसमें क्या है, जो आपको शब्द युग्म दिए गए हैं उनसे आपने उचित वाक्य बनाना है, ठीक है, ओके। तो इसको अच्छे से जो है वो आपने करना है, ओके बेटा, थैंक यू।